व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जो व्यूअर्स हमेशा ये समझते हैं, जहां हमको ये बोला जाता है कि हिंदुस्तान पे अंग्रेजों ने कब्जा किया, तो अंग्रेजों की डेफिनेशन एक्चुअली बताना जरूरी है कि अंग्रेज केवल ब्रिटिश नहीं थे, उसमें पोर्चुगीज भी थे, फ्रेंच भी थे, डच एब्सोल्युटली भी थे, डेनमार्क के एब्सोल्युटली लोग भी थे, एब्सोल्युटली थे। दोस ऑल टुगेदर आर नोन एज अंग्रेज। हाँ, हम सिर्फ हर सफेद को, गोरे को अंग्रेज कहते हैं, वो अंग्रेज सिर्फ ब्रिटिश नहीं थे। ब्रिटिश करीब 90% इलाके में ब्रिटिशों का राज था। मैं एक्चुअली इस पे आने वाला था। जो हाँ मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, उसमें मुझे पता चला कि दादर नगर हवेली का जो पूरा लिबरेशन है, उसमें बहुत सारी फंडिंग कह लो आप या डोनेशन कह लो, विच केम फ्रॉम लता इट वॉज इट मंगेशकर, हाँ रफी। या इट वॉज नॉट अ डायरेक्ट, इट वॉज नॉट अ डायरेक्ट हाँ, इट वॉज डोनेशन, नॉट डायरेक्ट नॉट डोनेशन। डायरेक्शन, हाँ बिकॉज इट वॉज ऑब्वियसली अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द लॉ टू हेल्प समबडी अटैक अनदर सॉवरेन कंट्री। तो कुछ बड़े लैंडलॉर्ड्स थे जो राजाओं से भी ज्यादा ओपुलेंट लाइफस्टाइल में रहते थे, और उन्होंने अपने गुंडे रखे हुए थे जो लोगों को बुरी तरह मार मार के, हिप्पो बेल्ट से मार के, उनकी औरतों को एक्सप्लॉइट करके, हर तरह का एक्सप्लॉइटेशन करके, और उनके ऊपर राज करते थे। सर, जो सिलवासा वाला आपने बताया, जहाँ पे 29 या जो भी नंबर है, लोगों ने जो पूरा वहाँ पे कैप्चर किया, क्योंकि इतना छोटा नंबर था, और वो 375 365 वहाँ पे पोर्चुगीज सेना थी, एक आम से एनिमेशन। इसके बारे में थोड़ा आप बताओ सर, कैसे इतने कम नंबर्स ने इतना बड़ा रिस्क लिया? जब पूरा ये देश आज़ाद हुआ, तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था? पीपल वेर हैप्पी? दे वर मोर देन हैप्पी। इतना कुछ होने पर एक चीज़ बनती है कि जो आपने कहा कि हैदराबाद में बंदूकें हैं, ये बंदूकें वहां पहुंचने का, वहां से यहां तक आने का, ये पूरा सिस्टम क्या है? इसके भी आप गए वहां पर, पता लगाया? हेलो दोस्तों, एंड वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। हमारे देश में बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं। हमारे देश की आजादी की लड़ाई अपने आप में बहुत बड़ी आजादी की लड़ाई है, पर क्या आप जानते हैं, दादर नगर हवेली, गोवा, ये जो पोर्शन है, और जो दमन दीव, ये हमारे देश के आजाद होने के बाद भी आजाद नहीं था, और ये पोर्चुगीज के अंडर आया करता था, जिसमें गोवा और दमन दीव 1961 में आजाद हुए। वहीं पर अगर हम दादर नगर हवेली की बात करें, तो इसको आजाद कराने वाले 29 अनसंग सोल्जर्स थे। मैं उनको सोल्जर्स बोल रहा हूं, बल्कि वो यंग नौजवान थे। उन 29 लोगों ने दादर नगर हवेली को आजाद करवाया। वो एक अनसंग हीरोज है। 1954 से लेके 1961 तक दादर नगर हवेली आजाद होने के बाद भी हिंदुस्तान का पार्ट नहीं था, बल्कि एक आजाद कंट्री की तरह काम कर रहा था, और ये 29 लोग उसको एक देश की तरह चला रहे थे। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं नीलेश कुलकर्णी सर के साथ, जिनकी बुक आ रही है अपराइजिंग द लिबरेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली। सर के बारे में अगर आपको बताऊं, तो आपने सर को कई बार क्रिकेट की कमेंट्री करते सुना होगा, बहुत सारे वॉइस ओवर में सर ने करे हुए हैं, सर के पास 50 ईयर्स का थिएटर का एक्सपीरियंस है, एंड ही इज अ रिनोन्ड ऑथर, जिनकी पहली बुक थी फुटस्टेप्स ऑफ राम, पब्लिश बाय हार्पर कॉलिस, और अभी सर के पास 3 बुक्स का कॉन्ट्रैक्ट है वेस्टलैंड के साथ, जिसमें पहली बुक अब आ रही है और आगे 2 और आने वाली है, इसमें बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आइए हम बात करते हैं नीलेश सर के साथ डिटेल में, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अबाउट, जो दादर नगर हवेली के हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उन 29 लोगों की कहानी, कैसे आजाद गोमतक के लोगों ने भी सपोर्ट किया, क्या हुआ था सब कुछ उस समय, क्यों नेहरू जी ने पोर्चुगीज के जाने के बाद भी वो वहां पे अटैक नहीं करना चाहते थे, उसको हिंदुस्तान का पार्ट नहीं बनाना चाहते थे, इन सब चीजों के बारे में आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फटाफट कर लो, लाइक कर लो, और हमारा ही एक और चैनल है बीटी क्लिप्स, आप उस पर भी जाके इन पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स देख सकते हैं, ताकि आप बड़े पॉडकास्ट को शॉर्ट फॉर्म में देखना पसंद कर सकें। तो ये बात करते हैं नीलेश सर से। सर, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग ऑन माय शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज थैंक यू सो पॉडकास्ट। मच। बहुत दिनों से मैं आपको चाह रहा था कि आप काफी शो पर आए। दिन से चल रहा था हमारा, पर बिल्कुल वो ही कोई ना कोई डेट मुकर्रर होती है हर चीज के होने की, वो आज थी। सर, आई एम वेरी लकी टू हैव यू ऑन माय थैंक शो, यू वेरी मच, एंड सो डिलाइटेड। सर, विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, दादर नगर हवेली, इसमें जो 29 लोगों का जो क्या कह सकते हैं उसको, जो पार्ट था जो उन्होंने प्ले किया उस पूरी दादर नगर हवेली को आजाद करने के लिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले दादरा नगर हवेली जब मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं है कहाँ, है कहाँ लोगों वो? को पता नहीं, क्योंकि एक बहुत छोटा सा एरिया है, 72 गांवों का, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें से 2 गांव तो दादरा में है और बाकी 70 गांव नगर हवेली में है। ये दमन का नाम मोस्टली लोगों ने सुना होता है, दमन से दमन इट इज टुवर्ड्स द ईस्ट, अबाउट 35 किलोमीटर का भारत की टेरिटरी बीच में आती है, उसके बाद एक लैंडलॉक्ड एरिया है,
पोर्चुगीज लोगों ने जिस एरिया पे राज किया उसमें गोवा, दमन, दीव, ये तीन ऐसे थे जिनका समुंदर को एक्सेस था। दादरा नगर हवेली ये 72 गांवों का जो प्रदेश है, ये अकेला एक ऐसा प्रदेश था जो लैंडलॉक्ड था, जहां पे भारत की सीमा को पार किए बगैर पोर्चुगीज रीइन्फोर्समेंट्स नहीं भेज सकते थे। तो ये एरिया है जो कुछ नौजवानों ने, कुछ गोवा के, कुछ पूना के, और साथ में उनके मदद करने के लिए कुछ ट्राइबल्स थे, इन सब लोगों ने मिलकर पोर्चुगीजों को वहां से भगाया। तो ये अगर आप हिस्टोरिकली देखते हैं तो हम कहते हैं कि भारत आजाद हुआ 1947 में, बराबर है, अंग्रेजों से आजाद हुआ। अधिकतर जो किंगडम्स और प्रिंसिपैलिटीज थी वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में, उनको सबको भारत में मर्ज कर लिया गया। फ्रेंच थे, चंद्रनगर था, पांडिचेरी थी उनके पास, ये सारे के सारे करीब करीब डिफैक्टो 1948 में यहां से चले गए। तो जो डच थे, डेनमार्क वाले थे, ये लोग पहले जा चुके थे, अंग्रेजों ने इनको बाय आउट कर लिया था। तो इसीलिए आउट ऑफ डच, डेन्स, फ्रेंच एंड ब्रिटिश एंड द पोर्चुगीज, द अदर फोर वेंट अवे, द पोर्चुगीज स्टेड ऑन, दे डिड नॉट गो फ्रॉम इंडिया, दे रिफ्यूज टू गो फ्रॉम इंडिया। और उनका रिफ्यूज करने का जो कारण था, देखिए एरिया तो छोटा सा था, भारत के पास इतनी बड़ी फौज थी, अगर हैदराबाद की फौज को पुलिस एक्शन में हरा कर और हैदराबाद को अपने अंदर एक दिन में मर्ज कर सकते थे तो इस इलाके को भी कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर लीगल कॉम्प्लिकेशन ये थी कि पोर्चुगल के पार्लियामेंट ने, इट हैड पास्ड अ लॉ व्हिच सेड दैट दीस आर पार्ट ऑफ द डोमिनियन ऑफ पोर्चुगल, यानी एक तो होता है कि हमारी कॉलोनीज है, एक ये पोर्चुगल ही है, दिस वॉज द रूल पास लॉ पास बाय देम। तो इफ एंड पोर्चुगल वॉज अ मेंबर ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिनके बेसिक रूल्स ये हैं कि अगर हमारे में से किसी एक को कोई अगर हमला करता है तो हम बाकी सारे भी उस देश पे हमला करेंगे। तो अगर हम अपनी फौज गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली इन कहीं भी जाती तो इमीडिएटली रिटेलिएशन बाकी सारी नाटो पावर्स के थ्रू हो सकता था। इस पर्पस के लिए जा नहीं पाए, वहां पर फौज नहीं भेज पाए। टोकूंगा आपको जी व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जो व्यूअर्स हमेशा ये समझते हैं, हमको ये बोला जाता है कि हिंदुस्तान पे अंग्रेजों ने कब्जा किया, तो अंग्रेजों की डेफिनेशन एक्चुअली बताना जरूरी है कि अंग्रेज केवल ब्रिटिश नहीं थे, उसमें पोर्चुगीज भी थे, फ्रेंच भी थे, डच भी थे, डेनमार्क के लोग भी थे, दोस ऑल टुगेदर आर नोन एज अंग्रेज। हाँ, हम सिर्फ हर सफेद को, गोरे को अंग्रेज कहते हैं, वो अंग्रेज सिर्फ ब्रिटिश नहीं थे। ब्रिटिश करीब 90% इलाके में ब्रिटिशों का राज था, या तो वो अलाइनमेंट में थे हैदराबाद के साथ, जयपुर के साथ, जोधपुर के साथ, अलग अलग स्टेट्स के साथ, या उनका डायरेक्ट राज था, उनकी प्रेसिडेंसी थी। लेकिन फ्रेंच के पास भी बहुत सारा एरिया था, हालांकि बाद में श्रिंक करके वो बंगाल में कुछ पॉकेट्स और पांडिचेरी में कुछ पॉकेट्स उनके रह गए थे। पर और डेनमार्क और हॉलैंड वालों के तो बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स थे जो उनको इकोनॉमिकली, इनकी सबकी ईस्ट इंडिया कंपनीज हुआ करती थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे अपनी इधर अंग्रेजों की थी वैसे, तो उन लोगों को खरीद लिया अंग्रेजों ने। तो रह गए पोर्चुगीज, और पोर्चुगीजों की खासियत है कि दे वर द फर्स्ट टू कम एंड द लास्ट टू गो। वास्को डा गामा जब आए थे केरला में, तो सबसे पहले पोर्चुगीजों ने अपना पहला किला बनाया था, और उसके बाद आखिर में 1961 में सबसे वही गए थे। सर, इसमें एक जो क्योरी आती है दिमाग में, जब महात्मा गांधी ने पूरे हिंदुस्तान में फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट किया, तो व्हाई ही लेफ्ट ओवर दिस दमन दीव? ही डिड नॉट लीव देम, ही डिड नॉट लीव देम, ही टुक गोवा आल्सो। देयर वाज आजाद गोमान, देयर वाज द आजाद गोमांतक दल, एंड देयर वाज द गोवा कांग्रेस। गोवा कांग्रेस से ही आजाद गोमांतक दल टूट के बना था बाद में, थोड़ा सा ज्यादा मिलिटेंट उनमें से था वो तो। लेकिन ये लोग भी थे, और ये लोग भी वहां पे लोहिया जी का पर्टिकुलरली बहुत इन्फ्लुएंस था, राम मनोहर लोहिया जी के अंडर बहुत ज्यादा वहां पर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन कंपेयर टू द ब्रिटिश हु डिड लॉट ऑफ इनजस्टिस, जलियांवाला बाग जैसा कांड किया उन्होंने, कई और इस तरह के हत्याकांड किए, लेकिन उनकी तुलना में अगर पोर्चुगीज को देखा जाए तो पोर्चुगीज उनसे 10 गुना ज्यादा क्रूअल और ज्यादा डोमिनेटिंग थे। तो इसलिए जितने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट थे, ये सारे के सारे दे वर क्रश्ड बाय द पोर्चुगीज। सो द पोर्चुगीज, इट कुड नेवर गैदर द ट्रैक्शन दैट इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव देम अवे। इसलिए पोर्चुगीज को गांधी जी ने नहीं छोड़ा था उनको, ये बिकॉज ऑफ द रिप्रेशन दैट वॉज अनअर्थ्ड ऑन अनलीश्ड ऑन देम। तो वहां कोई बड़ा नेता मिला नहीं शायद कभी? वहां के लोग थे ना, वहां के बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, लेकिन वो नेता होने के बावजूद जब इतना ज्यादा दमन होगा, दमन चक्र चलेगा, तो कई बार लोगों की हिम्मत नहीं हो पाती उतना करने की जितना कर रहे हैं। सभाएं होती थी, लोहिया जी गए थे वहां पर, और लोहिया जी ने काफी बड़ी बड़ी सभाएं भी की थी, अरेस्ट भी हुए थे, हालांकि वो तो वहां आराम करने गए थे बिकॉज उनकी सेहत खराब रहती थी, लेकिन ही अंडर हिज लीडरशिप लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, लेकिन वो सब कुछ कहीं पहुंच नहीं पाई। लेकिन आखिर तक
आजाद गोमांतक दल भी लड़ता रहा गोवा के अंदर, साबोटाज करता रहा, पोर्चुगीजों को अटैक करता रहा, वायलेंट मीन्स से मतलब बंदूक उठा के करते रहे, और साथ में पीसफुल सत्याग्रह भी चलते रहे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अल्टीमेटली अगर आप आजाद गोमांतक दल के बारे में बताएं। आजाद गोमांतक दल एक्चुअली एक स्पिन ऑफ था गोवा कांग्रेस का। जैसे गोवा कांग्रेस में जैसे यहाँ हुआ था कि गांधी जी की एक विचारधारा थी और सुभाष चंद्र बोस जी की एक विचारधारा थी, तो वो स्प्लिट हो गए, सुभाष चंद्र जी ने बंदूक उठा ली और गांधी जी नॉन वायलेंट मीन से लड़ते रहे। उसी तरह गोवा कांग्रेस से हटकर आजाद गोमांतक दल बना था, और इसमें विश्वनाथ लवांदे जी थे इनके प्रेसिडेंट, जिनके रहते हुए ये थोड़ा सा मिलिटेंसी की तरफ आ गए थे। तो उनमें से कई लोग थे, जैसे जो सबसे बड़े हीरो हैं जो किताब में फिगर करेंगे, इज वन प्रभाकर सिनारी। प्रभाकर सिनारी वॉज देयर मोस्ट मिलिटेंट लीडर, मोस्ट ब्रेव, मोस्ट टचिंग। में मिला उनसे, गोवा में है, वो रहते हैं आजकल। अच्छा। एंड देन ही जॉइन्ड द आईपीएस, ही वाज एन आईजीपी एंड ही वाज द राइट हैंड मैन ऑफ मिस्टर रिवेरो व्हेन ही वाज द कमिश्नर ऑफ पुलिस एट द टाइम ऑफ द पंजाब मिलिटेंसी। तो राइट हैंड मैन थे उनके, बहुत बहादुर। उनकी कई कहानी किस्से आपको किताब में मिलेंगे कि उन्होंने कैसे जेल तोड़ के भागे, कैसे किया। तो लीडरशिप थी उनकी। तो आजाद गोमांतक दल एक मिलिटेंट फैक्शन था, और दादरा नगर हवेली की जो लिबरेशन है उसके अंदर वो एक फैक्टर थे। यानी इसमें कुछ पूना के नौजवान थे और जो गोवा के नौजवान थे वो सारे के सारे आजाद गोमांतक दल के थे। पर उनमें वो सारे लोग थे जिनको गोवा में जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट थे, तो वो भाग के इंडिया आ गए थे। तो वो यहाँ पे रिग्रुप हुए और यहाँ पे आरएसएस के इन बच्चों के साथ मिलके उन लोगों ने पूरा का पूरा किया। तो सर अगर मैं दादरा नगर हवेली पे ही कंसंट्रेट करूँ थोड़ा, तो जो हम 29 लोगों की बात करते हैं, उन 29 नौजवानों ने दादरा नगर हवेली को आजाद किया, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। मतलब कि क्या हुआ था कि उन 29 लोगों को ये सूझा कि मतलब वी शुड ग्रुप टुगेदर एंड क्रिएट अ ग्रुप विच कैन एक्चुअली लिबरेट दादरा नगर हवेली। देखिए, सारे के सारे देशभक्त थे, बेसिकली जज्बा था उनको इस बात का। उसमें से आधे लोग तो गोवा के ही थे, वो तो यहाँ आए ही इसलिए थे कि हमें अपने देश को आजाद कराना है, गोवा को आजाद कराना है, उसके लिए जो भी करना पड़े वो करने को तैयार होंगे। इंडिपेंडेंटली यहाँ पे जो ये राजा वो वाकणकर एक थे, बाबा साहेब पुरंदरे थे, सुधीर फड़के थे, इनकी लीडरशिप में पूना में भी एक ऐसा ग्रुप तैयार हुआ था जो हमेशा देशभक्ति की बातें करता था, हर तरह से देश को उत्थान, देश के उत्थान के लिए कार्यरत रहने का विचार करता था कि वी वॉन्ट टू लिबरेट द कंट्री, वी वॉन्ट टू मेक इट अ फ्री कंट्री। तो उनके दिमाग में शुरू से ये था कि जब तक आखिरी विदेशी भारत से नहीं चला जाता तब तक हमें भारत को आजाद कहने का अधिकार नहीं है। जब तक कुछ हिस्से हमारे अगर परतंत्र में है तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत आजाद देश है। अंग्रेजों से तो आजाद हुए, उधर हमारे भाई तो अभी फॉरेन डोमिनेशन के अंडर ही है ना। तो इसीलिए ये लोग इस विचारधारा से प्रेरित थे और बहुत दिनों तक ये सरकार को पेटिशन करते रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, नेहरू जी को, कि भाई आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। अल्टीमेटली नेहरू जी ने एक बार पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा दैट द लिबरेशन ऑफ गोवा इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गोवन पीपल, दे शुड अराइज अगेंस्ट टिरनी एंड द इंडियन पीपल शुड नॉट प्ले एनी रोल इन इट एट ऑल, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल इंसिडेंट का डर था, तो नाटो के थ्रू हो सकता था। जब ये स्टेटमेंट आई तो इन लोगों का खून खोला, इसका मतलब सरकार कुछ करने वाली नहीं है, अगर ये करने वाली नहीं है कोई नहीं करेगा तो हम करेंगे, ये सोच के लोग इकट्ठा हुए, ये सोच के इन्होंने इसकी प्लानिंग शुरू की। और इनका जो मूवमेंट था वो सत्याग्रह वाला मूवमेंट नहीं था, इनका टोटली बाय वायलेंट मीन्स था। दे न्यू कि अगर पोर्चुगीजों को भगाना है, उनका ये विचार था, फर्म बिलीफ था, अगर पोर्चुगीजों को भगाना है तो बंदूक उठाकर ही भगाया जा सकता है, उनको नॉन वायलेंट मीन्स से नहीं भगाया जा सकता। पोर्चुगीज जैसा आपने बताया कि दे वर वेरी वायलेंट, वेरी वेरी डिप्रेसिव, वेरी डिप्रेसिव, वेरी डिप्रेसिव, वेरी वायलेंट, एब्सोल्युटली। वो अपने आप में बहुत बड़ी आर्मी थी उनके पास। जी बिल्कुल। हाउ दिस 29 पीपल मैनेज टू एक्चुअली फाइट अगेंस्ट देम, ये बता दूंगा तो कोई किताब नहीं पड़ेगा इसलिए मैं बताऊंगा नहीं तो भी कैसे हुआ, लेकिन ये जानना जरूरी है कि 29 लोगों ने किया। और 29 भी एक टेंटेटिव फिगर है क्योंकि जो कोर ग्रुप चालू हुआ था ये अल्टीमेटली पूना में 7-8 लोग थे और गोवा के 7-8 लोग थे, मतलब शुरू तो 15-16-17 लोगों के साथ हुआ था सारा का सारा। ये करते करते वो जब तक सिलवासा पे उन्होंने हमला किया, दादरा नगर हवेली का कैपिटल था सिलवासा, यहाँ पे मेन पुलिस चौकी थी, वहां का पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेटर था, जज था, उनका चीफ ऑफ पुलिस था, वो सब लोग सिलवासा में थे। तो सिलवासा में फाइनली जब इन्होंने अटैक किया तो 375 सोल्जर थे और 375 सोल्जर्स के पास स्टैंड गन, ब्रेन गन, लाइट मशीन गन सब कुछ था, दे वर फुल्ली इक्विप्ड विद एनी अमाउंट ऑफ मनी एंड एनी अमाउंट ऑफ एम्युनिशन अवेलेबल टू देम। तो वहां पर आकर इन्होंने ये 29 हो गए थे, तो उन्होंने रियलाइज किया कि 29 लोग 375 लोगों को तो नहीं हरा सकते, इसलिए ये पुना वापस गए और वहां से 70-80-100 लोगों को और लेके आए ओवरनाइट जस्ट फॉर द अटैक। मतलब ये 2 तारीख को अटैक हुआ है तो 30-31 को ये लोग लेके आए वहां से।
And what about arms and ammunition? Arms and ammunition की तो इतनी बात है कि जब इन्होंने लड़ाई शुरू की थी तो इनके पास तो पैसा एक भी नहीं था. ये सारे के सारे बच्चे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे. कोई कॉलेज में पढ़ता था, कोई कहीं क्लरिकल जॉब करता था, कोई कुछ करता था. पैसे तो इनके पास बिल्कुल भी नहीं थे. तो पहले तो सवाल है कि इनके पास वो जितने भी बंदूकें आई वो आई कहां से? Yes. That's the first question. अगर वो बंदूकें आई तो उसके लिए पैसे कहां से आए? उसकी ट्रेनिंग उन्होंने कहां से ली? अब ये सारा किताब में डिटेल में दिया हुआ. लेकिन इसमें सिर्फ एक मैं बता दूं कि इनमें से एक थे मिस्टर सुधीर फड़के. सुधीर फड़के जो थे मराठी के सब्सिक्वेंटली बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुए. फिल्मों में बहुत म्यूजिक दिया उन्होंने. तो उस टाइम उनके करियर की शुरुआत थी. लेकिन वो लता मंगेशकर जी के साथ कुछ काम कर चुके थे. मैं एक्चुअली इस पे आना चाहता था. जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया उसमें मुझे पता चला कि दादर नगर हवेली का जो पूरा लिबरेशन है उसमें बहुत सारी फंडिंग कह लो आप या डोनेशन कह लो विच केम फ्रॉम लता मंगेशकर रफी. या इट वाज नॉट अ डायरेक्ट, इट वाज नॉट अ डायरेक्ट डोनेशन, इट वाज नॉट डायरेक्ट डोनेशन, नॉट डायरेक्शन, बिकॉज़ इट वाज ऑब्वियसली अगेंस्ट द लॉ, against the law to help somebody attack another sovereign country which the government had banned. But when Sudhir Phadke and all these people went to her and told her the story ki humko ye karna hai, to us time Lata ji ne kaha ki dekho direct to main nahi kar sakti lekin main ek concert karungi Pune mein. Aur wo concert jo hoga usme Mohammad Rafi ji bhi aayenge, C Ramchandra music director bhi aayenge, sab log aayenge, unhone arrange kiya isko aur usse jo paisa aayega wo main aapko de dungi. To wo ek concert hua, uski bhi bahut badi kahani hai ki kaise wo hote hote reh gaya, दोबारा करना पड़ा, पूरी स्ट्रगल है उसके अंदर. तो उससे उनका पैसा रेज हुआ और उससे उन्होंने केवल 5 राइफल्स और 3 पिस्टल्स खरीदी क्योंकि उनके पास इतना ही पैसा था. तो 375 सोल्जर्स पे इन लोगों ने 5 राइफल और 3 पिस्टल लेके हमला किया. शुरुआत उससे की. फिर धीरे धीरे उनकी छोटी छोटी चौकियां पकड़ते गए, वहां के सोल्जर्स को हराते गए, अरेस्ट करते गए, इंडिया डिपोर्ट करते गए, उनसे छीनते रहे. ऐसे करते करते अल्टीमेटली इनके पास 15-20-25 पिस्तौलें बंदूकें हो गई होंगी व्हेन दे अटैक. बट द फैक्ट रिमेन्स दैट इनमें से उसको चलाना 8-10 लोगों को ही आता था. बाकी किसी ने कभी जिंदगी में हथियार ही नहीं उठाया था. ट्रेनिंग उन्होंने कैसे करी, दैट इज अनदर स्टोरी. वो भी कहानी आपको किताब में मिलेगी. उन्होंने इंटेलिजेंस कैसे गैदर की, दैट्स अनदर स्टोरी. एक चीज सर आप जो बता रहे हैं उसमें एक चीज बड़ा मुझे लग रहा है. जब लता जी रफी जी इतना बड़ा कॉन्सर्ट प्लान करते हैं, उस कॉन्सर्ट का पैसा इधर दादर नगर हवेली के रेवोल्यूशनरीज को जाना है, इंडियन इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या कर रही थी. लेकिन ऑब्वियसली कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि कुछ कर रही होती थी उनको ये ना करने देते जो इन्होंने किया. इंडिया चाहता होगा कि लेट, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं, द गवर्नमेंट डिड नॉट वांट इट. सब्सिक्वेंट टाइम में उस टाइम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, जॉइंट महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र और गुजरात विभाषिक स्टेट कहलाता था, इकट्ठा था स्टेट वो, तो उनके चीफ मिनिस्टर मोरारजी भाई देसाई थे. शुरू में तो वो नहीं चाहते थे क्योंकि जैसा नेहरू जी से डायरेक्शन आया था वो वही करते थे. लेकिन उसे करने के बाद सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जो किताब में आप पढ़ेंगे, जिसके कारण उन्होंने टैसिट सपोर्ट दिया, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दिया, टैसिट सपोर्ट दिया. सिर्फ ये कहा कि मेरी पुलिस जो है सराउंड कर देगी पूरे एरिया को, बाहर से किसी को अंदर नहीं आने देगी, लेकिन अंदर जाने के बाद यू आर ऑन योर ओन, आप जियो मरो, आपकी डेड बॉडी लेने के लिए भी हम नहीं आ सकते क्योंकि हम, हमारी पुलिस क्रॉस नहीं कर सकती उसको करने के लिए. जो मेनन थे, कृष्णा मेनन, उनका इसमें कोई रोल नहीं था. कृष्णा मेनन इसमें कोई रोल नहीं था, बट ही हैज अ बिग रोल इन दमन दीव एंड गोवा पोर्शन. बट जो आई नॉट से इन द पोर्शन पार्ट, बट जो उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, नेहरू जी को हमेशा मोटिवेट करते थे कि व्हाई यू आर नॉट गोइंग एंड वर्किंग टू रिमूव दीस पोर्चुगल्स, चाहे वो दादर नगर हवेली की बात हो चाहे सब चीजों की बात हो. एंड नेहरू जी जो थे वो हमेशा इस चीज को रेजिस्ट कर रहे थे. ही वॉज नॉट इन अ मूड टू गो एंड अटैक इट. इस पे जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की उसमें ये पता चलता है कि जब हमारी आर्मी पूरी रेडी थी 1958 आई थिंक, सॉरी 61 के आसपास, जब हमारी पूरी आर्मी के आसपास पूरा पहुंच गई थी, 61 में तो गई आप, हाँ पहुंच चुकी थी. उस टाइम पे यूएस के जो कोई गवर्नर जनरल थे, ही केम टू मीट नेहरू जी, और उन्होंने नेहरू जी से कहा कि आप ना इसको रोक दो, यू हैव टू स्टॉप इट फॉर वन डे और समथिंग. तो नेहरू जी ने उनसे कहा कि ठीक है अभी अपना आर्मी को रोको, वील विल नॉट अटैक. और शायद आर्मी एक दिन तक और वेट करती है. उसके बाद अगेन वो मीटिंग होती है और उसमें वो ये बोलते हैं कि आप ना ये अटैक को अभी 6 मंथ के लिए पोस्टपोन करो, उसके बाद देखें. उस पर कृष्णा मेनन ने कहा था कि हमारी आर्मी वहां खड़ी है, जस्ट इन अ सेकेंड दे कैन एंटर इन टू गोवा एंड दमन दीव एंड दे कैन कैप्चर इट, आप क्यों 6 महीने के लिए रोकना चाहते हो? खैर बाद में अटैक हुआ एंड वी वन, मतलब वो पार्ट हमारा वी डिफिटेड है. तो बट क्यों नेहरू जी, व्हाई ही वो पंचो, इसमें मेरी रिसर्च में कहीं भी ये नहीं आया
क्योंकि जब पोर्चुगल ने इंटरनेशनलाइज किया इस इशू को, जब दादरा नगर हवेली इंडिपेंडेंट हुई, तो पोर्चुगल ने सबसे पहले ये बोला कि हमें दमन से दादरा नगर हवेली में सोल्जर्स को भेजने की इजाजत देनी चाहिए, ताकि कुछ गुंडों ने हमारे देश में घुस के हमारे सैनिकों को मारा है, भगाया है और उसका इलीगल पोजेशन लिया है हमारे हक की जगह का, तो इसलिए हमें आर्मी, अपनी आर्मी इंडिया के थ्रू भेजने की या ओवर फ्लाइट करने की इजाजत देनी चाहिए। उस टाइम नेहरू जी ने वो इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा है हमारे थ्रू नहीं जाएंगे, और उस समय ये सारे के सारे पूरे केस को लेके वर्ल्ड कोर्ट में गए। वर्ल्ड कोर्ट में 7 साल तक केस चला। पोर्चुगीज वर ओनली आस्किंग फॉर राइट ऑफ पैसेज थ्रू इंडियन टेरिटरी टू टेक बैक दादरा नगर हवेली। और उसी समय इन्होंने इशू को इंटरनेशनलाइज करने के लिए नाटो के सारी कंट्रीज के पास दे प्लीडेड एंड पिटिशन, बट ऑल द कंट्रीज डिड नॉट शो एनी इंक्लिनेशन टू सपोर्ट देम। सो इसलिए ये गलत है कहना कि अमेरिका ने प्रेशराइज किया या रोका। मेरी रिसर्च में ये कहीं भी सब्सटेंशिएट नहीं होता। मराठा टेरिटरी, इट वॉज अंडर द पेशवाज। तो लेकिन जब मराठा पेशवा राज का डिक्लाइन शुरू हुआ माधवराव वन के मरने के बाद, और उसके बाद उनकी आपस में लड़ाइयां शुरू हुई, तो उस टाइम एक पोर्चुगीज जहाज था कॉल्ड संताना, जिसे टेकओवर कर मराठाओं ने टेकओवर किया था कुछ 8-9 साल 10 साल पहले। पोर्चुगीज़ ने उसको बहाना बना के मराठों से नेगोशिएशन शुरू करी कि हमारे उस जहाज का आप हर्जाना दीजिए जो आपने लिया था। और उस टाइम अंग्रेजों से और पोर्चुगीज़ों से दोनों से लड़ने की मराठों की ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने एज अ कॉम्प्रोमाइज दादरा नगर हवेली के गाँव पोर्चुगीजों को लीज पर दे दिए, जिसे पोर्चुगीजों ने सबने बाद में ये दिखाया कि ये तो हमारी ओनरशिप है, ये तो हमारी कंट्री है। वो कंट्री नहीं थी, इट वॉज गिवन ऑन लीज टू देम फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू। और जो उनका नुकसान हुआ था वो उतना रेवेन्यू था उसके अंदर कि उतना रेवेन्यू कलेक्ट करके वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकते थे। लेकिन बाद में उन्होंने वो एरिया खाली किया ही नहीं और बहुत जबरदस्त उस पर ऑपरेशन रहा। तो दादरा नगर हवेली इज बेसिकली अ ट्राइबल एरिया, वर्ली कोंकणा, ये लोग ट्राइबल्स बहुत सारे रहते हैं और वो पूरा ट्राइबल बेल्ट है जो महाराष्ट्र में आज तक गढ़चिरौली वगैरह वो जो सारा है, वो सारा का सारा बेल्ट वही है नीचे तक। तो देवर एक्सप्लॉयटेड लाइक एनीथिंग। एक्सप्लॉयटेड कैसे कि लोकल लोगों की कोई कीमत ही नहीं थी। वहां पे लैंडलॉर्ड्स थे बड़े बड़े और उन लैंडलॉर्ड्स को पटेलपन भी दिया हुआ था, पटेलात दी हुई थी, यानी पटेल यानी एक गांव का रेवेन्यू कलेक्टर। अधिकतर वो लैंडलॉर्ड्स ही पटेल होते थे एंड देवर द एक्सप्लॉयटर्स। तो जब उनको प्रॉपर रेवेन्यू नहीं मिलता था तो जमीनें लिखवा लेते थे अपने नाम पर लोन पे। जिस समय कोई अगर अकाल पड़ गया, लोगों ट्राइबल्स के पास खाने को नहीं है तो उनको खाना देंगे इस कंडीशन पे, खेफती बोलते थे उसको कि अगले साल में आप 2.5 गुना वापस करोगे। अब जिसका खेती आधे आधे एकड़ का है वो क्या वापस करेगा। तो एक एक पीढ़ी में ऐसा होता गया कि अल्टीमेटली सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया, सारी जमीनें बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास चली गई। तो कुछ बड़े लैंडलॉर्ड्स थे जो राजाओं से भी ज्यादा ओपुलेंट लाइफस्टाइल में रहते थे और उन्होंने अपने गुंडे रखे हुए थे जो लोगों को बुरी तरह मार मार के, हिप्पो बेल्ट से मार के, उनकी औरतों को एक्सप्लॉयट करके, हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन करके और उनके ऊपर राज करते थे। इवन जब फसल नहीं होती थी तो घास काटना और घास को बांधना ये काम किया जाता था, जिसके लिए उनको 2 आने मिलते थे और वो जो बेल थी घास की वो 10-10 रुपए की बिकती थी इनके मेहनत पे की हुई। तो देयर वाज ट्रेमेंडस एक्सप्लॉयटेशन, देयर वाज ट्रेमेंडस एक्सप्लॉयटेशन। इसीलिए तो वर्ली ट्राइबल्स जो थे वो सारे के सारे इनके साथ आके मिल गए लड़ाई करने के लिए, विच अगेन यू विल अंडरस्टैंड एज द बुक गोज इन। 1954 में 29 लोगों ने पोर्चुगल से दादरा नगर हवेली को आजाद कर दिया। तो उसके बाद भी वो पोर्शन इंडिया का नहीं था। जी जी। लेकिन पोर्चुगीज फिर भी खानवेल में थे, खानवेल वहां से कुछ मुश्किल से थोड़े से किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही था और वहां से वो कभी भी वापस आकर इनको दोबारा रिटेलिएट कर सकते थे, क्योंकि तब तक पोर्चुगीजों को ये पता चल चुका था कि ये लोग एक्चुअली बच्चे ही है, इनमें कोई सोल्जर्स नहीं है, क्योंकि पहले उनको लगा था कि शायद इंडियन आर्मी आ गई है। उन तो देवर वेरी प्रिपेयर्ड कि थोड़ा सा बीच में एक नदी थी, जैसे ही नदी का पानी खत्म होगा वैसे हम क्रॉस करके आ जाएंगे और इनको भगा देंगे, तो उनको भगाना जरूरी था। तो ये 2 अगस्त तो 15 अगस्त के बीच में, 11 अगस्त के बीच में इन लोगों ने उनको चेज किया और वहां से उनको भी भगाया और इंडियन टेरिटरी में खदेड़ा, जहां पे इंडिया ने उनको अरेस्ट करके और डिपोर्ट कर दिया वापस। हाँ, तो तब जाकर 15 अगस्त को ये डिक्लेयर हुआ, जैसे यहां पर भारत का इंडिपेंडेंस डे हुआ वैसे ही सिलवासा में झंडा फहराया गया, बहुत बड़ी बड़ा जुलूस निकला और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि आज पूरा सिलवासा आजाद है। दिस इज 15th of August 1954। लेकिन 1954 में जब गवर्नमेंट को इन लोगों ने कहा कि जी हमारा काम हो गया, हम तो निस्वार्थ भाव से आए थे सिर्फ अपने मातृभूमि की सेवा करने के लिए, तो हमने आजाद करा दिया, अब आप देश ले लीजिए, नेहरू जी रिफ्यूज।
ही रिफ्यूज बिकॉज ऑफ द सेम लीगल कॉम्प्लिकेशन, कि जब पोर्चुगल ने उसको पोर्चुगल डिक्लेयर कर रखा है तो उसको इंडिया जाके कैसे अपने अंदर एसिमिलेट कर सकता है। तब ये वर्ल्ड कोर्ट में केस गया, ये वर्ल्ड कोर्ट में केस 1954 से 1961 तक लड़ा गया और उसका जब रिजल्ट आया तो भारत में इस कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कर गया। ये एक तरफ से तो पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट पे डाला, ये कहा कि ये जो डोमिनियन हमारा जो एरिया है दादरा नगर हवेली का, दिस इज पार्ट ऑफ पोर्चुगल, दिस इज अवर ओनरशिप एंड देयरफॉर वी शुड बी परमिटेड टू टेक अवर आर्मी थ्रू योर लैंड। मैंने आपको बताया ना कि 35 किलोमीटर इंडियन लैंड थी, थ्रू योर लैंड और वी शुड बी परमिटेड टू ओवरफ्लाई टू गो देयर एंड टेक इट बैक। तो इस बात पे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस डाला। तो इस पर इन लड़कों ने डॉक्यूमेंट्स ढूंढे, बहुत बड़ा एक कैंपेन चला, डॉक्यूमेंट्स ढूंढे जिसके द्वारा ये दिखाया गया कि ये जमीन उनकी हो ही नहीं सकती क्योंकि इसके ओनरशिप राइट्स उनको कभी नहीं दिए गए थे। दे वर ओनली गिवन द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, तो बिकॉज दे हैड बीन गिवन ओनली द रेवेन्यू कलेक्शन राइट, दे वर नॉट द ओनर्स। इस बात को एक्सेप्ट करते हुए वर्ल्ड कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि भारत अगर उनकी फौज को नहीं आने देता तो वो राइटफुल है। जब ये हुआ तब भारत ने अपनी फौज गोवा दमन दीव में भेजी। तो इस छोटे से इंसिडेंट का एक बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है, ये ना होता तो शायद गोवा दमन दीव में भी फौज ना जाती। पर उस दौरान क्या हुआ, 54 और 61 के बीच में, 54 और 61 के बीच में इनमें से एक एडमिनिस्ट्रेटर रहा उस समय 54 में, एक चीफ ऑफ पुलिस रहा इन लड़कों में से 29 में से दो, और उन्होंने वहां के सारे गांवों को इकट्ठा करके एक पंचायत बनाई और जो पंच जीते उनसे एक वरिष्ठ पंचायत इलेक्ट हुई, उसका एक सरपंच इलेक्ट हुआ। इसे एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी लेकर उन्होंने इस पूरे इलाके को एक आजाद देश की तरह 7 साल तक चलाया, 1954 से 1961 तक। दिस वॉज कॉल्ड द फ्री स्टेट ऑफ दादरा एंड नगर हवेली विच वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो आप सोचिए कि आजकल तो अगर एक कोई घर ऑक्यूपाई कर लेता वो खाली नहीं करता, इन्होंने तो पूरा देश चलाया और उसके बाद वो छोड़ दिया। ये 29 एक बहुत नोशनल फिगर है क्योंकि वो 23, 24 भी थे शुरू में, वो 16, 17 भी थे और आखिरी दिन पे वो 100 के करीब भी थे जो आखिरी दिन जिन्होंने अटैक किया था। और आखिरी अटैक की एक बात इंटरेस्टिंग है, मैं तुमको इसके बाद इस सवाल के जवाब देने के बाद बताता हूँ, विच इज दैट उनमें से अल्टीमेटली जब मैंने इस किताब को लिखने का प्रोसेस चालू किया 4 साल पहले तो 16 या 17 लोग थे। उनमें से अब घटते घटते इस किताब के पब्लिकेशन में जाने तक 3 रह गए थे और इस 3 में से भी 2 आने वाले थे मेरी किताब के रिलीज के लिए 27 को, उनमें से एक पास्ट अवे जस्ट डे बिफोर यस्टरडे। तो अब इसमें सिर्फ 2 लोग बचे हैं, 2 लोग यहाँ बचे हैं पुणे में और गोवा में सिनारी साहब हैं, इसके अलावा तो कोई हो तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैक्सिमम 3 लोग शायद इन लोगों में से बचे होंगे, बाकी एवरीबडी हैज पास्ड अवे। क्योंकि देखिए पुरानी बात है ना, 54 में अगर वो 22, 23, 24 साल के रहे होंगे तो आज तो 90 के करीब, हाँ तो अभी करीब करीब 90 साल के होंगे वो सारे। शायद ही किसी को पता हो 29, 30 से जो भी नंबर है इनके नाम ही नहीं पता जी, प्रभाकर सिनारी, राजा भाव वाकणकर, बाबा साहेब पुरंदरे, सुधीर फड़के, छोटे से एरिया को देश, प्रभाकर वैद्य, शांताराम वैद्य, ऐसे लोगों के बारे में कोई नहीं जानता। हमारी हिस्ट्री बुक से इनके नाम क्यों गायब? शायद इसके पीछे कोई राजनीति रही, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन लोगों का जो तजुर्बा है वो ये है कि जब वो सरकार के पास गए और उन्होंने भारत सरकार से कहा कि जी हम, पहले तो भारत सरकार ने उनको पूछा कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो आप ये फॉर्म भर दीजिए, आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। तो फक्र की बात यह है कि इनमें से सबने रिफ्यूज कर दिया। इन्होंने कहा हम पेंशन लेने के लिए थोड़ी गए थे, हम तो अपनी जान को लगा के जोखिम पे लगा डाल के गए थे अपने देश को बचाने के लिए और अपने देश के प्रति कर्तव्य अपना निभाने के लिए, इसलिए हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जब बहुत परसुएशन हुआ तो इन्होंने कागज भर के दिए। जब फॉर्म्स दिल्ली गए तो वहां से रिजेक्ट होके आ गए क्योंकि वहां से इनसे पूछा गया कि आप कौन सी जेल में थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। उन्होंने कहा था जेल में नहीं थे हम, हमने तो 175 लोगों को जेल में डाला था और 200 को भगाया था। उनसे कहा फिर आप क्वालिफाई नहीं करते टू बी अ फ्रीडम फाइटर, इस तरह पे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। और ये बाद में अटल जी की सरकार आई उसके बाद इनको रिकग्निशन मिला और ऑफिशियली जो फ्रीडम फाइटर्स को फैसिलिटीज मिलती हैं वो इनको मिलनी शुरू हुई, तब तक तो वो भी नहीं हुआ था। सर फ्रीडम फाइटर तो वैसे भी नहीं बोल सकते थे, नेहरू जी के टाइम तो नहीं बोल सकते होंगे, हाँ, उनके साथ तो इंडिया का पार्टी था। हाँ, exactly, इंडिया की लड़ाई नहीं होता, इंडिया का फ्रीडम फाइटर, इसीलिए वो उनको कहीं काउंट ही नहीं किया गया। लेकिन महात्मा गांधी के साथ तो इंडिया का पार्ट था। देखिए ये इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने का हमको, मतलब मैं नहीं कहूंगा कि अधिकार नहीं है, लेकिन उसका हम, हमारे पास कोई लोकल स्टैंड नहीं है करने के लिए कि उनको क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था। एज अ हिस्ट्री राइटर मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि हुआ क्या था, उसमें से निष्कर्ष कौन से निकालने वो आपका अधिकार है। जब तक ये 7 साल तक इन्होंने खुद मैनेज किया
हाउ वाज द इकोनॉमिक सिचुएशन, या उसके बारे में कुछ पता है? मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ था। पहले 2-3 साल तक इनके एडमिनिस्ट्रेटर इनके चीफ ऑफ पुलिस रहे, लेकिन ग्रेजुअली ये हुआ कि अगर एक देश को चलाना है तो आप एमेच्योर्स के आधार पर नहीं चला सकते। तो इसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पिटीशन किया, क्योंकि वो जो पंचायत थी वो बार बार गवर्नमेंट को चिट्ठियां लिख रही थी कि हमें अपने अंदर ज्वाइन करवा लीजिए, और वो जो चिट्ठियां थी, वो जो रेजोल्यूशन उनके पास किए हुए थे, ये भी वर्ल्ड कोर्ट में दिए गए कि वहां के लोग भी यही चाहते हैं कि हम भारत के साथ हमारा विलय हो जाए। तो इसलिए उन्होंने पिटीशन किया, और कुछ दिनों बाद गुजरात के और महाराष्ट्र के आईएएस ऑफिसर्स आईआरएस ऑफिसर्स इन लोगों को वहां डिप्यूट किया गया, रिटायर्ड लोगों को जिनको उन्होंने अपने पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया, उन्होंने देश चलाया। तो पहले साल या 2-2.5 साल तक ये इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वहां पे। सर, जो सिलवासा वाला आपने बताया, जहाँ पे 29 या जो भी नंबर है, लोगों ने जो पूरा वहाँ पे कैप्चर किया, क्योंकि इतना छोटा नंबर था और वो 365-365 वहाँ पे पोर्चुगीज सेना थी, एक आर्म्ड इन्वेजन, इसके बारे में थोड़ा आप बताओ सर, कैसे इतने कम नंबर्स ने इतना बड़ा रिस्क लिया? इसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत ज्यादा था, जो बहुत चलाकी से, जिसे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के कॉन्टेक्स्ट में गनीमी कावा कहा जाता है। गनीमी कावा मींस गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब यू नो द टेरेन, यू आर लेस इन नंबर, यू आर यूजिंग सरप्राइज एंड योर नॉलेज ऑफ द टेरेन टू बीट अ मच स्ट्रॉन्गर एनिमी। वो इन्होंने पूरा तत्व वहां पे यूज किया था। कई चीजें थी जिसमें जो भारतीय रिजर्व पुलिस थी जिसने सराउंड कर रखा था चारों तरफ से, उन्होंने मैसेजेस भेजे थे कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, जबकि उनका आने का कोई इरादा नहीं था। और इन लोगों ने जैसे जैसे एक एक पुलिस चौकी को वो लेते गए, वैसे वैसे वहां से कम्युनिकेशन काटते गए। तो यहाँ पैनिक फैलने लगा कि पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह से उन्होंने उनकी कम्युनिकेशन के वायर्स काट दी थी, सारे रस्ते उन्होंने ब्लो अप कर दिए थे। तो ना तो बाहर से कोई आ पा रहा था, ना बाहर कोई संदेश आ जा पा रहा था। तो इनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ये। और जब इन लोगों ने अटैक किया तो दे रियलाइज कि अगर हम 26-27-29 ही लेंगे तो हम कितना भी कर लें तो एक पुलिस चौकी पे, बड़ी पुलिस चौकी पे आप नहीं कब्जा कर सकते। और वहां पर उस टाइम जो फिदाल्दो करके उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने जितनी पुलिस चौकी पे जितने उनके सोल्जर्स थे सबको सिलवासा में बुला लिया था कि सबके सब आके अल्टीमेटली जो बचे कुचे हो सारे सिलवासा में आ जाओ। फॉरेस्ट गार्ड्स को भी बंदूकें दे दी थी, पटवारियों को भी बंदूकें दे दी थी, सबको बोला था कि तुम यहां खड़े रहो। और उसने अपनी पुलिस चौकी के सामने, ही हैड 16-foot हाई सैंड बैग एम्बैकमेंट जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स में से उनकी राइफल्स आगे प्रोट्रूड कर रही थी, और उस पुलिस चौकी के बाहर एक बहुत बड़ा खाली मैदान था जिसमें से इनको निकल के आना पड़ता उसको अटैक करने के लिए। तो बड़ी ऑब्वियस बात थी, जैसे ही उसके रेंज ऑफ फायर में आते वैसे ही गोलियां चला के इनको भून दिया जाता। तो दे न्यू दैट, तो बिकॉज दे न्यू दैट देयरफॉर दे वेंट बैक टू पुणे एंड दे गॉट रीइंफोर्समेंट। 70-80-90 बच्चों को वहां से लेके आए वो, और उनको सिर्फ इतना बताया गया आज के दिन में देश के काम के लिए जाना है, जान की कोई जोखिम है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं बता सकते, चलना तो चल सकते हो। तो बच्चे तैयार हो गए और गाड़ियों में भर के वो पहुंच गए वहां पे। अब उनमें से राइफल पिस्टल तो चलानी किसी को आती नहीं थी, वो 8-10-15 लोगों को टोटल आती थी, इतनी इनके पास गन्स थी, इससे ज्यादा उनके पास था भी नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया कि उनको ये बताया, उनमें से किसी के पास बर्छी थी, किसी के पास कुल्हाड़ी थी, कोई डंडा ही लेके आ गया था, किसी के पास कुछ भी नहीं था। तो उनको सबको बताया गया, उनको इन्होंने कनस्तर दिए और बोला इन कनस्तरों उनको पटाखे दिए दिवाली के, और बोला जैसे हम हवा में फायर करें तुम एक एक पटाखा उठा के कनस्तर में डालते रहो, कनस्तर भी नहीं है तो दो पत्थरों के बीच में डाल दो। तो ड्राम से जो आवाज होती थी वो एक 303 राइफल के फायर करने जैसी आवाज थी। तो उनको उन्होंने 4 टुकड़ियों में बांट के 3 टुकड़ियां पुलिस चौकों की 3 तरफ खड़ी हो गई, और 1 टुकड़ी जिसमें वो लोग थे जो लड़ना जानते थे वो पीछे से क्रीप अप किए। अब जब इन्होंने पहला फायर हवा में किया, इन्होंने भी क्या किया, अंदर जाने के लिए छत पे चढ़े और छत से जंप किया उन्होंने नीचे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे उनके लोग थे। तो जब उन्होंने पहला फायर इस ग्रुप में एक ने किया तो बाकियों ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए और नारे लगाने शुरू कर दिए। तो वो इतना ज्यादा कोलाहल हो गया चारों तरफ से, दिस पीपल पैनिक्ड। और लेकिन उस पैनिक होने से पहले भी इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर इस सबका हो गया था कि रस्ते काट दिए हैं, पुल डीकैपेसिटेट हो गए हैं, यूज नहीं हो सकते वहां पे, जो ब्रिजेस थे उनका मेन हाईवे कट गया था, कम्युनिकेशन कट गया था। इसलिए इनका जो कैप्टन था फिदाल्दो, उसने अपने फालकाओ करके लेफ्टिनेंट जो उसका डिप्यूटी था उसको मिलके कहा कि अपने बेस्ट लोगों को लेके हम नदी के पार जाते हैं, उसके पीछे एक नदी थी, नदी के पार खड़े हो जाते हैं और कुछ लोगों को छोड़ दिया वहां कि तुम फायर करो और जरूरत पड़े तो सरेंडर भी कर देना, बाकी हम आके देख लेंगे। तो वो उधर जाके खड़ा होता देख रहा था। तो पहले तो इन 100-150 जो अंदर थे, 80-90 के करीब थे शायद वो लोग, उनको पहले पकड़ना जरूरी था। इनको तो नहीं पता था कि 375 नहीं 90 रह गए, बाकी उस तरफ चले गए सारे के सारे। तो इन्होंने ये पॉलिसी यूज करी और पीछे से चढ़कर, जबकि
सोल्जर्स सारे सामने की तरफ तान के बैठे थे, इन्होंने पीछे से उनको अटैक किया और पीछे से खड़े के उनको सरेंडर करवाया। मतलब सुन के हंसी आ रही है, पटाखों के थ्रू पूरे पटाखों के थ्रू देश आजाद हुआ। बिल्कुल बिल्कुल 100% एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मतलब दहशत तो फैली हुई थी क्योंकि इंडियन पुलिस चारों तरफ से प्रेशर बनाए हुए थी, किसी को देश में नहीं आने दे रही थी। बार बार इंडियन पुलिस के जो चीफ थे वहां पे, डीआईजी थे नगरवाला, उस नोट भेज रहे थे हम आ रहे हैं हम कर रहे हैं। तो जब ये सारा, और ये पटाखे चलाने सिलवासा पे नहीं शुरू हुए, दो दिन पहले से शुरू हो गए थे, हर तरफ से आवाजें आती थी फायरिंग की। तो उनको ये लगता था कि पता नहीं कितनी बड़ी फौज चारों तरफ से हमारे पे हमला कर रही है, इसीलिए उसने विड्रॉ किया। लेकिन उस दिन जब सिलवासा लिबरेट हुआ और इन 75-90 लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया, इनको बंद किया और उस दिन डिक्लेयर किया कि हमारा देश आजाद हो गया, तो उस दिन फिदाल्डो को नदी के पार खड़े होकर दिख गया था सारा ये। ही न्यू कि ये कुछ भी नहीं है यार, ये तो मैं तो ऐसे डर के भाग गया। तो ही वॉज वेरी क्लियर कि कल सुबह होगी, सुबह सबसे पहले यहाँ नदी पार करके वापस जाएंगे, इनको सबको खत्म करके और अपन ले लेंगे, पोजेशन ले लेंगे। लेकिन वो उधर डटा रहा पूरी रात, बारिश में इसमें बगैर खाना खाए, क्योंकि उनको खाना देने वाला कोई नहीं वहां लोकली। जो जो दो दो रोटी लेके चले थे इंडियन टेरिटरी से, वही उनके पास थी। किसी ने प्याज खाया, किसी ने एक भाकरी खाई, वो करके वो नदी के दूसरी तरफ खड़े रहे कि इसको नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर वो पार करके इधर आ गया तो हम तो खत्म ही है, तो कम से कम लड़ते लड़ते तो मरे, इसको तो रोके। तो ये सोच के वहां लग गए थे। अब इनकी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन रात को फ्लैश फ्लड आ गया वहां पे, तो नदी में फ्लैश फ्लड आ गया और उसका इतना जबरदस्त बहाव हो गया कि वो क्रॉस करके नहीं आ पाया। तो वो वहां 3 दिन खड़ा रहा और 3 दिन के बाद उसने सोचा कि अब पार करके जाना पॉसिबल नहीं, मैं पीछे हटता हूँ। तो पीछे हटकर खानवेल करके जगह पे एक चला गया और वहां पे उसने अपना मोर्चा बनाया। खानवेल में बाद में अटैक हुआ, फिर इन लोगों ने कैसे अपने आप को रिग्रुप किया, कैसे इन्होंने लोकल वर्लीज की मदद ली, कैसे उसको अटैक किया, कैसे नेगोशिएट किया, सरेंडर कराया, ऑल दैट इज देयर इन द बुक। जब पूरा ये देश आजाद हुआ तो वहां के लोगों का क्या रिएक्शन था? पीपल वर हैप्पी? दे वर मोर देन हैप्पी, बल्कि उसके बाद बहुत अच्छा रोल कांग्रेस ने प्ले किया कि यहाँ से कांग्रेस सेवा दल के वॉलंटियर्स गए वहां पर और वो पूरे प्रदेश में फैल गए और पूरे प्रदेश में जाके गांव-गांव जाके वर्लियों को समझाया कि अब तुम आजाद हो और अब जो भी काम होगा वो तुम्हारे लिए होगा। बल्कि पहली 15 अगस्त की जो वहां पे सेरेमनी हुई, फ्लैग होस्टिंग हुई, उस फ्लैग होस्टिंग में नेचुरली भारत का ही तिरंगा फहराया गया वहां पे 1954 में। और विश्वनाथ लवांदे जो उस समय एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके आजाद गोमांतक दल के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भाषण देके यही कहा कि हम यहाँ राज करने आए ही नहीं है, हम आपको भारत में विलय कराने के लिए या पूरी सत्ता आपके हाथ में देने के लिए हम आए हैं। तो इसलिए दे वर मोर देन हैप्पी कि कम से कम अब इस पर्टिकुलर रेजिम से तो हमें छुटकारा मिला। तो दे वर पीपल वेरी हैप्पी, तो ये हुआ हमारा 1954 में। हाँ। अब जो विलय होता है 1961 जी, तो 61 में ही क्यों होता? उस टाइम पे गोवा भी हुआ, दमन दीव और ये तीनों एक साथ हुए जी। उस टाइम कुछ सिनेरियो एक साथ नहीं हुए। अगस्त में तो दादरा नगर हवेली मर्ज हुआ सरकार में, दिसंबर में गोवा दमन दीव को टेक ओवर कर लिया गया, क्योंकि उस समय तक पुर्तगाल का वर्ल्ड कोर्ट में केस चल रहा था ना। तो जब तक वो केस का रेजोल्यूशन नहीं आया तब तक वो भारत अपनी फौज नहीं भेज सकता था, उसका विलय भी नहीं कर सकता था। रिजल्ट आया उसके बाद उस रिजल्ट के आधार पर भारत ने इनिशिएट किया कि अब इन्होंने, जैसे ही रिजल्ट आया वैसे इन्होंने एक और पिटीशन बना के भेजी भारत सरकार को, वी वांट टू जॉइन यू। तो नेहरू जी ने इन सरपंचों को दिल्ली बुलाया, इन सब पंचों को दिल्ली बुलाया, दिल्ली में उनके साथ मीटिंग की, उनको भाखड़ा नांगल दिखाया और इलाके दिखाए कि देखिए भारत कितना प्रोग्रेस कर रहा है और आपके लिए भी ये सब कुछ होने वाला है, अब हम इसको इनिशिएट करते हैं। तो दिल्ली में उनकी बहुत अच्छी मीटिंग नेहरू जी के साथ हुई थी, उसकी पिक्चर्स भी हमारे पास है जब वो लोग गए थे मिलने के लिए। उसके बाद वो प्रोसेस इनिशिएट किया, लेकिन उसमें एक कॉम्प्लिकेशन आई और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आया इसका कि भारत की तरफ से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री के या उनके नुमाइंदे दस्तखत करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर, दादरा नगर हवेली की तरफ से कौन करेगा? ऑफिशियली इलेक्टेड तो कोई है ही नहीं, सारे के सारे इनफॉर्मली है, तो किसका अधिकार है साइन करने का? तो एक KG बदलानी जी थे, इज एन IAS ऑफिसर, वो वहां पर उस समय गवर्नमेंट की तरफ से डिप्यूट हुए थे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने के लिए। उन्होंने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दिया, उन्होंने IAS से अपना रेजिग्नेशन दिया, वरिष्ठ पंचायत ने उनको एक दिन के लिए उस इलाके का, उस आजाद देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो एक दिन के लिए KG बदलानी जी और नेहरू जी प्रोटोकॉल में एक ही लेवल पे थे, वो दादरा नगर हवेली के प्रधानमंत्री थे, भारत के थे। तो वो शाम को इलेक्ट हुए एज ए प्रधानमंत्री और अगले दिन उनका सिर्फ एक ही कार्य था प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने अपने देश का साइन करके भारत में विलय कर लिया और उसके बाद वो रेजिग्नेशन प्रधानमंत्री पोस्ट से देके और वो IAS में वापस चले गए। इट इज द स्टोरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर अ डे। ये बड़ी अनयूजुअल स्टोरी है, ये कहानी कई जगह आई है, लिखित में आई है, लेकिन इसके पीछे की बैकग्राउंड लोगों को पता नहीं है।
इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इतनी अनसंग स्टोरी है, और लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल पता नहीं है लोगों को इस बारे में। मैं बताता हूँ, दादरा नगर हवेली के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जब भी मैं जिक्र करता हूँ, कहता हूँ कि दिस वॉज लिबरेटेड बाय द यूज ऑफ आर्म्स, तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है। बिकॉज द मोमेंट आप सशस्त्र क्रांति शब्द का इस्तेमाल करते हैं या इसका उपयोग करते हैं, तो पीपल विल से आजाद हिंद फौज या भगत सिंह, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, या मास्टरदा वगैरह जो चिटागोंग रिबेलियन हुआ था, या नेवल नेवी के लोगों ने जो 46 में रिबेलियन किया था मुंबई में, इन सब के नाम आते हैं, लेकिन इसका तो नाम ही नहीं आता। तो मैं हर बार खेलता हूँ लोगों के साथ, बोलता हूँ नहीं इसमें नहीं, बाद में बताओ, और बताओ और बताओ। देन दे से 1946, नहीं, देन दे से 47 में तो इंडिया आजाद हुआ, मैं बोलता हूँ नहीं, देन आई टेल देम द स्टोरी कि ऐसा हुआ था, तो ये 54 में हुआ है। आपको ये स्टोरी लिखने कहां से आया था? ये शायद वो मुझसे लिखवाना चाहता था, वो चाहता था कि मैं वो जरिया बनूं जिसके माध्यम से ये कहानी लोगों तक जाए। तो कहानी लिखने की कहानी भी उतनी इंटरेस्टिंग है। मैं इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम की कुछ रिसर्च के लिए नासिक जा रहा था ट्रेन में, मैं और मेरी पत्नी, मुझे ट्रेन में जाना अच्छा लगता है, मुझे फ्लाइट अच्छी नहीं लगती, तो आई एंजॉय द लग्जूरियसनेस लग्जरी ऑफ गोइंग इन अ ट्रेन। तो मैं जा रहा था और AC 2 टायर के कंपार्टमेंट पे इस तरफ मैं और मेरी पत्नी बैठे थे, उस तरफ देयर वाज एन ओल्ड मैन एंड हिज सन, वो बैठे थे, तो वो मराठी थे, मराठी हम लोग बोलने लगे, तो उन्होंने कहा पापा को आप थोड़ा सोने के लिए वहाँ जगह दे देंगे, आप यहाँ सुला दीजिए, कोई बात नहीं मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। तो हम बैठे, तो मैंने उनको पूछा कौन पापा, क्या करते हैं आप, क्या करते हो, तो बोले साहब पापा फ्रीडम फाइटर है। तो मैंने बोला फ्रीडम फाइटर मतलब गांधी जी के साथ थे? उन्होंने ऐसे किया लाइक गांधी, नहीं मेरे पापा ने तो बंदूक उठाई थी। तो मैंने उनको यही सवाल पूछे, आजाद हिंद फौज में थे क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में थे क्या? उन्होंने कहा नहीं, हमने दादरा नगर हवेली आजाद कराई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे, तो उन्होंने मुझे वहाँ फोटोग्राफ दिखाए पुराने, सब कुछ उनका जो जो उनके पास मोबाइल पे अवेलेबल था वो सारा बता के कहानी बताई। उससे मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ इसमें। तब मैंने उनको बोला कि मैं लेखक हूँ और मैं इस पर एक किताब लिखना चाहूंगा। उन्होंने कहा ठीक है आप पुणे आ जाइए, जब आप आएंगे तो हम आपको इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब पुणे चूंकि बहुत रिलेटिव्स है, मेरी सिस्टर भी है, मेरा आना जाना लगा रहता है, एक दो बार मैं वैसे भी गया स्पेशली उनसे मिलने के लिए, हर बार मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये प्रोसेस इन्फॉर्मेशन लेने का 1.5 साल चला, मैं सिर्फ केवल उनके पीछे लगा रहा कि कुछ तो बताइए, कुछ तो दीजिए, मिलने तो दीजिए। तो उनका ये था कि बहुत लोग आते हैं इंटरेस्ट लेते हैं, बाद में कोई कुछ करता तो है नहीं, मतलब ऐसे टोपी पहना के चले जाते हैं, एक आध आर्टिकल लिख देते हैं छोड़ देते हैं। तो परसिस्टेंस उनको देखना था मेरा। जब 1.5 साल तक मैं परसिस्टेंट रहा, तो फिर उन्होंने एक दिन कहा, अरविंद मनोरकर जी जो है, जो प्रेसिडेंट है उनकी अब संस्था के, उन्होंने बुलाया, कहा चल घर आ मैं तुझे बताता हूँ। वो इतने कागज दिए मुझे उन्होंने और अपनी कहानी उन्होंने सुनाई, उससे मेरा परसूट शुरू हुआ। लेकिन क्या होता है जब ऐसा कुछ हम करते हैं ना, ये हर किसी को अपना कैप्सूल केवल मालूम था, लार्जर पिक्चर नोबडी न्यू, एवरीबडी न्यू व्हाट ही और शी हैड डन और व्हाट हिज और हर ग्रुप हैड डन, नोबडी न्यू द ओवरऑल पिक्चर, व्हाट इज द बिगर पिक्चर। तो जब मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स परसीव किए, तो आई रियलाइज कि इट इज अ बिगर पिक्चर इन्वॉल्व्ड इन दिस, इन विच आजाद गोमांतक दल इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, इन विच द आदिवासीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। तो ये सबको मैं कहां से मिलेगा, उनके डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ पुणे के पर्सपेक्टिव से पुणे वालों ने जो किया वही किया, बल्कि उनमें बाबा साहेब पुरंदरे थे, ही इज अ नोटेड हिस्टोरियन ऑफ महाराष्ट्र, पद्म विभूषण उनको मिला हुआ है, उनसे मेरी एक मुलाकात हुई थी, मैं पारिवारिक रूप से परिचित था। तब उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बताया था कि एम्यूनेशन सारी हमने हैदराबाद से ली, बंदूक के पिस्तौल हम हैदराबाद से लाए थे, और वहां पे फला नाम का एक आदमी था, उसने हमको एक पेड़ में से निकाल के दिए थे। मैंने बोला पेड़ में कैसे आए वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन? उन्होंने कहा अगली बार आएगा तो बताऊंगा। अगली बार मैं गया तब तक उनका वो ही पास्ट अवे, देहांत हो गया उनका, सो आई वाज नॉट एबल टू गेट दैट, आई ओनली हैड दिस मच इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। बाकियों को तो कुछ ये भी नहीं पता था कि पिस्तौलें आई कहां से, वो अपनी वही कहानी बता रहे थे जितनी मालूम थी उनको। तो उसमें मुझे गोवा में उनकी किताबों में प्रभाकर सिनारी 2-4 बार नाम आया कि उनके वो जो थे मेन फाइटर जो थे या उनके समझे सेनापति थे प्रभाकर सिनारी थे। अब एक नाम है और एक गोवा है और उसमें मुझे उस बंदे को ढूंढना है। तो अब मैंने ढूंढना शुरू किया। आप कैसे ढूंढे? तो अपने गोवानीज फ्रेंड्स को सबको मैसेज किया। उसमें से एक मेरी बहुत पुरानी दोस्त है डायना, जो मुंबई में रहती है, हम शीज फ्रॉम गोवा। तो उन्होंने किसी दिन गोवा लिबरेशन का कोई पोस्ट डाला फेसबुक पे, मैंने उसको मैसेज किया, डायना आई एम राइटिंग अ बुक ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल, डू यू नो एनी फ्रीडम फाइटर्स? शी सेड आई हैव लेफ्ट गोवा 27 इयर्स अगो, सो आई डोंट नो एनीवन, बट आई विल पुट इट ऑन द गोवा व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला, उस व्हाट्सएप ग्रुप से कहीं और गया, और मेरे पास एक 11-12 दिन के अंदर एक फ्रीडम फाइटर्स की टेलीफोन नंबर सहित लिस्ट आ गई, और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम प्रभाकर सिनारी जी का। एंड इट वाज नोन दैट ही इज स्टिल अलाइव, ही इज देयर, बट ही इज अ रिक्लूस, ही विल नॉट टॉक टू यू। तो वो आ गया इत्तेफाकन। अब इसका मतलब कहीं तो कोइंसिडेंस काम कर रहा है ना इसके अंदर, पूरे के अंदर, मेरा उनको नासिक में मिलना, मेरा उनके पीछे लगना, उन्होंने कागज देने, सिनारी जी का नंबर गोवा से मुझे मिल जाना। फिर मैंने सिनारी जी को फोन करने शुरू किया। फर्स्ट टाइम आई कॉल्ड, ही सेड
आई हैव डन माई ड्यूटी टुवर्ड्स माई कंट्री एंड आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज आई वॉन्ट नथिंग इन रिटर्न. And he kept the phone down. I called him again next day. I kept calling him for about 3 months. Every time he would get irritated, I bang the phone down. At the end of that period, he said, you are a persistent bastard, but next time you are here, come and see me. So I said, what do you mean next time I am here? I can come there anytime. He said, no, whenever you are here, because if you come unannounced, it's possible I may not see you. It depends on whether I want to see you at that point of time. So I took that as a yes. And the very third day, I landed up in Goa. And I called him from Goa. Sir, milna tha. He said, but I told you that whenever you are here, next you come. I said, so I'm here. Yeah. I said, you didn't ask me. I said, you didn't say that I had to ask you to come to Goa. You just said that if I'm in Goa, you will talk to me. So why didn't you talk to me now? He said, no time nahi hai. I kept calling him for 7 days. At the end of 7 days, I remained in Goa. I was there for 11 days. Seventh day, he told me, what if I don't meet you? I said, if you don't meet me, I will go back to Delhi. He said, then what will you do about the book? I said, I'll come back again. Then what will you do else? Again call you? So at the end of that, he said, nahi, okay, you come and see me. That is when he called me a persistent bastard. He said, you are a persistent bastard. You come and see me. So I went to his house. He was very nice to me. He gave me his book and he told me his story. By listening this, I'm going to podcast. तो ये हुआ इनके साथ. उससे मुझे गोवा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिला और गोवा में उन्होंने बाकी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बच्चों से मुझे कनेक्ट कराया. वहां चले जाओ, उसको ढूंढो, उसको ढूंढो, उसको ढूंढो. वो भी एक बड़ा चेज था. लाइक वो ही इज आल्सो 91, उनको सारे एड्रेसेस नहीं याद थे. ही टोल्ड मी फला जगह जाना, वहां एक वो गोवा का वो कौन सा आजाद भवन है, वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट है उसको पूछना कि लवंदे जी की बेटी कहाँ रहती है. तो मैं वहां ढूंढता ढूंढता पहुंचा, उस आदमी को कन्विंस किया कि मुझे उससे मिलना जरूरी है, मुझे बताओ. उससे उसको कनेक्ट किया, विश्वनाथ लवांदे जी की किताब मिली. ऐसे करके बहुत सारा गोवा का लिटरेचर इकट्ठा किया. गैरवे दिन आई केम बैक. व्हेन आई रेड द गोवा लिटरेचर, आई रियलाइज कि इसमें वर्ली ट्राइबल्स भी इन्वॉल्व है. अब क्या किया जाए, ट्राइबल्स को कहां से कॉन्टैक्ट करो? तो ढूंढ ढांड के पोलिटिकल कॉन्टैक्ट से एक कॉन्टैक्ट मिला, दीपक जाधव. दीपक जाधव जी वहां के एक्स बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे और वहां पोलिटिकली बहुत एक्टिव और उनका दबदबा है. उनका नंबर केवल मिला, उनसे बोला कि साहब आना है. बोले साहब आ जाओ, कुछ पता होगा तो बता देंगे. तो हम लोग सिलवासा पहुंच गए. अब सिलवासा पहुंच के जब उनको पूरी हमारी कहानी बताई कि हम 2.5 साल से इस स्टोरी को चेज कर रहे हैं और इतने प्रयासों के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं, ही वॉज मोर देन हैप्पी एंड ही सेड, अब कुछ भी हो आपको पूरी कहानी मैं बताऊंगा. और वो मुझे सिलवासा के जंगलों में लेके गए, जहां मैं और सरिता माई वाइफ हम लोग सिलवासा में गाड़ियों में भी और पैदल भी जगह जगह पर गए और वहां पर वर्लियों से बात की. उनमें से हमें 3 या 4 ऐसे मिले जो 90+ थे, जिन्होंने उस दिन एक्चुअली लड़ाई की थी. उन्होंने मुझे अपनी उसकी कहानी बताई. और उसकी भी मैं आपको कोइंसिडेंस बताता हूँ. उनकी एक रानी है जेत्रुबेन, उस रानी ने मोबिलाइज किया था उनको सबको रात रात में खांडवेल पे अटैक करने के लिए. हम जेत्रुबेन के कॉटेज में पहुंच गए. अब वहां पे जेत्रुबेन की तो डेथ हो गई काफी दिन पहले, उनके हर हस्बैंड ऑल्सो पास्ट अवे, उनके बच्चे थे. तो वो मराठी जो है वो इस तरह की बोलते थे लोकल की, जो हमारी एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रही थी. तो प्रोसेस चल रहा था कि वो बता रहे हैं, फिर कोई मुझे ट्रांसलेट करके बता रहा है, फिर मैं नोट्स ले रहा हूँ, फिर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, फिर वो उनको पूछ रहे हैं, ये चल रहा था. उतने में अंदर से एक बहुत स्मार्टकट लड़की बाहर चल के आई और हैव यू कम टू फाइंड आउट अबाउट ग्रैनी, आई टेल यू. तो तुम कौन हो भाई? ग्रैंड डॉटर हु इज एन इंजीनियर वर्किंग विद इंफोसिस इन बैंगलोर एंड शी हैड कम होम एंड शी वाज वर्किंग फ्रॉम होम. तो आवाज सुनकर वो बाहर आ गई कि कौन आया बात करने के लिए. देन शी टोल्ड मी द स्टोरी besides what these people told me. So that is how the story got assembled. It was meant to be that I will write this story. Sir, इतना कुछ होने पे एक चीज बनती है कि जो आपने कहा कि हैदराबाद में बंदूकें हैं, ये बंदूकें वहां पहुंचने का, वहां से यहां तक आने का, ये पूरा सिस्टम क्या है? इसके भी आप गए वहां पर पता लगाया? पेड़ के तने में जो नीचे से नहीं दिखते, आप एक सीढ़ी लगा के उसमें चढ़ते हैं 15 फुट ऊंचा, फिर उसकी शाखाओं से उतरते हैं तो बीच में वो जगह है, वहां पर वहां छुपे हुए थे. और ये आर्म्स ऐसे थे कि रजाकारों को आर्म किया था. रजाकार एक आर्म्ड मिलिशिया थी निजाम के टाइम में, तो उनको आर्म किया था निजाम ने. उसकी कैसे उनके पास आई, हथियार कैसे नहीं आए, वो कहानी पूरी डिटेल में उसके अंदर है. और जब भारतीय आर्मी ने अटैक किया तो उस टाइम वो लोग अपने अपने गांव भाग गए और अपने अपने वेपन्स उन्होंने कहीं ना कहीं छुपा दिए और वहां एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गया. इस ब्लैक मार्केट से ये लोग लेके आए. और वो लोग कैसे उन, अब आप एक राइफल उठा के ऐसे चलते हुए तो नहीं इंडिया में आ सकते ना, कौन है, कहाँ है, लाइसेंस है, क्या है, कहाँ से लाया हो, क्यों है. तो वो कैसे वहां से इंडिया आई, पूना आई, इंडिया के हैदराबाद तब इंडिया में था, कैसे पूना आई, कैसे उनका ट्रेनिंग हुआ, कैसे उनका रिपेयर हुआ, उनको कैसे उन्होंने इशू किया, कहाँ उनकी ट्रेनिंग हुई, ये भी अपने आप में एक कहानी है. वो भी कहानी किताब में है, वो नहीं मैं सुनाऊंगा. और इसके अलावा इंटेलिजेंस कैसे गैदर की, अब इनको कैसे पता था कि कौन सी जगह पे कितने कितने पुलिस वाले हैं, कौन सी जगह पे कम्युनिकेशन काट जाने से सिलवासा की कम्युनिकेशन कट जाएंगी. इन्होंने पूरा एक सर्वे किया वहां पे जाके, भेस बदल बदल के लोग गए अंदर और भेस बदल बदल के जाके कोई दुकानदार बना, कोई कोई सेल्समैन बना,
कोई कोई शराबी बना, कोई भिखारी बना, वो भिखारी अरेस्ट भी हुए वहां पे और उन्होंने चौकी के भी अंदर से सारे डिटेल्स निकाले कि चौकी कैसी है सिलवासा की। ये सब भी एक बहुत बड़ी अपने आप में कहानी है। तो इन्होंने इंटेलिजेंस भी गैदर किया, बहुत इंस्पायरिंग कहानी, मतलब मेटिकुलस प्लानिंग थी, कितने बजे कहां से निकलना है, कहां कितने बजे पहुंचना है, रास्ता कौन सा लेना है, कौन से जंगल से जाना है, वहां कितने पुलिस वाले हैं, कैसे उनको डिसआर्म करना है, कहां से कम्युनिकेशन के लिए तार काटनी है। इट्स अ फैसिनेटिंग स्टोरी, जितना पढ़ेंगे उतना आपको उसमें रस आएगा। इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इट्स टू गुड टू बी अ रियल स्टोरी, ऐसी कहानी है, इसीलिए इसको सब्सटेंशिएट करना पड़ा, नहीं तो लोग समझते फिक्शन लिखा है। मैं जब आप जैसे राइटर्स से मिलता हूँ जो नॉन फिक्शन लिखते हैं और खासतौर पर ऐसी कहानियों की बात जो सुनता हूँ जो मतलब सो मैनी अनसंग हीरोज, फिर लगता है क्या मतलब हम देश में ना बहुत ऐसे लोगों को भूल गए जिन्होंने एक्चुअली और ट्रूली उस लेवल पर जाके काम किया है। अमेजिंग सर, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग ऑन दिस शो, शेयरिंग सच एन इनसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, पॉडकास्ट सुनने के बाद ना आप रुक नहीं सकते इस बुक को खरीदने से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, मैं पूरी बुक पढ़ने वाला हूँ सर। इट्स एन अमेजिंग, मतलब पॉडकास्ट सुन के इतना एक्साइटेड हूँ, बुक पढ़ गया पता नहीं मुझे कितनी। ये कहानी ऐसी है, इसमें कोई मेरा क्रेडिट नहीं है, ये कहानी ऐसी है, ऐसे लोगों की कहानी है जिसे सुनकर, जिसके बारे में सुनकर आप रुक ही नहीं सकते। तो दोस्तों जरूर पढ़ो यार, मतलब हम अपने देश में इतने सारे अनसंग हीरोज है ना, उन संग हीरोज के बारे में जानना ही ना उनके लिए ट्रिब्यूट है। तो एटलीस्ट रीड दिस बुक, जो इतनी रिसर्च करके सर कहाँ कहाँ गए, उसको ढूंढ ढूंढ के उनके बारे में निकाला है, उस बुक्स को पढ़ो और उन अनसंग हीरोज के बारे में जानो यार, उनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकते हो, जो आपको कभी लगता ना कि अनअचीवेबल है, यू कैन अचीव एवरीथिंग। और ये बुक हमको सिखाती है यार, सो वी हैव टू रीड दिस बुक, डेफिनेटली रीड दिस बुक, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू क्लिक इट एंड बाय दिस बुक। सो दैट थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो, शेयरिंग सच एन इनसाइटफुल, ग्रेट प्लेजर एंड अ डिलाइट टू बी विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हिट द लाइक बटन, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू बुक्स एंड थ्योरी, एंड थ्योरी रेस्ट ब्यूड, रेस्ट ब्यूड। Informative. Family. Wow, you're the winner. Hola, la mamá.